हिंदू शास्त्र में कई ऐसे नियम हैं जिनको जाने अनजाने में करने से या तो खुशहाली आती है या तो नकारात्मक ऊर्जा अपने हाथ लगती है। इन सभी नियमों का वास्तुशास्त्र में उल्लेख भी मिलता है। आज हम बताने जा रहे हैं मंदिर। मंदिर हर व्यक्ति के घर में रहता ही है और वहाँ विधि विधान से सुबह शाम पूजा भी होती है, लेकिन जाने अनजाने में हम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियमों को भूल जाते हैं जिनसे दोष लगता है, वह नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। घर में मंदिर है तो दिया या माचिस लगाना एक तरह से जरूरी हो जाता है क्योंकि वह शुभ माना जाता है, लेकिन जो भी दिया लगाने की सामग्री रहती है जैसे माचिस लाइटर वह अशुभ मानी जाती है, उन्हें मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं ऐसा क्यों। नमस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय सहस्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। हर घर में मंदिर होता है, मंदिर में दीप प्रज्वलन होता है, यह मंत्र दीप प्रज्वलन का ही है। हम देखते हैं कि दीप प्रज्वलन के बाद में जली हुई माचिस की काड़ी वहीं पर फेंक दी जाती है या फिर भगवान के पास में ही वह माचिस रख दी जाती है। घर के मंदिर में माचिस का होना अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार ज्वलनशील पदार्थ भगवान के पास में नहीं होना चाहिए। मंदिर में लाइटर है, माचिस है, यह माना गया है। इसलिए मंदिर में हमेशा जल से संबंधित पदार्थ, शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ ही रखे जाते हैं। और ऐसे ही घर के बेडरूम में भी जहाँ पर पति पत्नी साथ में रहते हैं ऐसी जगह पर भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे जाते हैं, वहाँ पर भी जल का लोटा या शीतलता प्रदान करने वाली पदार्थ ही वहाँ पर रखे जाते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। और मंदिर में माचिस केवल भगवान के दीप प्रज्वलन के लिए इस्तेमाल करें, बाद में वह माचिस मंदिर के बाहर कहीं अच्छे स्थान बना करके वहाँ पर रखना चाहिए। और बुझी हुई बत्तियाँ, जो दीपक की बुझी हुई बत्तियाँ होती हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वह भी मंदिर से बाहर होना चाहिए, उनका दर्शन भी अशुभ माना गया है। दीपक की बुझी हुई बत्तियों का मतलब है नकारात्मकता, और नकारात्मकता के दर्शन करके व्यक्ति अपने सकारात्मक भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए मंदिर में माचिस केवल दीप प्रज्वलन के लिए हो, दीप बुझने के बाद में वह बत्ती पूजन के पहले ही हम वह मंदिर से हटा देवें। ऐसा करने से हम प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। जय श्री कृष्णा।